और समाजवादी ज्ञान जिसे हम सब सीखने का काम करते हैं, परम आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, मंचस्थ सभी माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण, माननीय लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्यगण, आज हम सब चर्चा कर रहे हैं पार्टी के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पर। और इससे पहले कई वरिष्ठ वक्ताओं ने यह जिक्र किया कि देश को आजादी कैसे मिली है। हम और आप जिनमें तमाम लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन आजादी कैसे मिली है उन संघर्षों को इतिहास में पढ़ने का काम किया है। एक लंबे संघर्ष और एक बड़े बलिदान के बाद भारत को आजादी मिली, एक मजबूत संविधान मिला और एक मजबूत लोकतांत्रिक देश हमें मिला, एक ऐसा लोकतंत्र हमें मिला जहां अपने अभिव्यक्ति की आजादी मिली, अपनी न्याय की बात को कहने की आजादी मिली। और ये कल्पना की गई भारत के संविधान में कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, उसके अधिकार नहीं मिल जाएंगे, तब तक भारत पूर्ण नहीं होगा। लेकिन साथियों, हम और आप जानते हैं कुछ दिनों से देश में कुछ ऐसे लोगों की सरकारें लगातार बनती चली गईं जिनका कि न आजादी से कोई मतलब है, न इस भारत के लोकतंत्र से कोई मतलब है। जिस तरीके से लगातार वो लोकतंत्र को खत्म करते जा रहे हैं, भारत के जो संवैधानिक ढांचे हैं उन पर कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से कब्जा करते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए और समाजवादियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और जब हम समाजवादी और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे तो हम कैसे भूल सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी आज किसान की है। 62.6% लोग आज कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित हैं। हम कैसे बात न करें कि देश के अन्नदाता आज कितने संकट के दिनों में अपने दिन गुजार रहा है, जहां आज एक तरफ उसे उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम आज देखें तो उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। हम तो बधाई देंगे अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि आपके मुख्यमंत्री काल में यही उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.1 से बढ़कर के 3.9 हुई थी। आज दुख से कहना चाहते हैं कि कृषि दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिर गई, 3.6% उत्तर प्रदेश की कृषि दर रह गई। आज जब किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, महंगी खाद, महंगा बीज और अगर उससे भी अगर थोड़ी सी फसल हो गई तो ये छुट्टा जानवर आज किसानों को जीने नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार नए आंकड़े देती है। जब हम बेरोजगारी पर बात करते हैं तो बेरोजगारी पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन से झूठे आंकड़े लाने का काम किया? आप जानते हैं नौजवान साथियों, 17 से 22 और 22 के बाद जो ये सरकार बनी है, 76 भर्तियां उनमें पेपर लीक हुए हैं या माननीय उच्च न्यायालय में आज वो लंबित पड़ी है। ये सरकार बतावे किसको रोजगार देने का काम किया है? अरे शर्म करो सरकार के लोगों, तुमने विधानसभा के एक आंकड़े में मनरेगा में मजदूरी देने वाले लोगों को भी रोजगार की संख्या में जोड़कर बताने का काम किया। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, रोजगार दैनिक मजदूरी में नहीं जोड़ा जा सकता। रोजगार वो है जिसे एक स्थायी नौकरी दी जाए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से बेरहमी से नौजवानों के साथ अत्याचार कर रही है, इसको हमको आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा।